मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। जावद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जावद विधानसभा क्षेत्र में सिंगोली से विकास यात्रा शुरू हुई थी, जो अब अपने अंतिम चरण में है। कल जो है विकास यात्रा जावद पहुंचेगी और जावद जो है इसका अंतिम जो है जावद क्षेत्र ही रहेगा, जावद नगर ही रहेगा। कल जो है विकास यात्रा का समापन होना है। अब कल जो विकास यात्रा आने वाली है उसमें क्या क्या आयोजन होने हैं, कहाँ कहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण हम कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, वे जावद में कहाँ कहाँ पर आयोजित होने हैं और जावद में कल क्या विशेष रहने वाला है, क्योंकि जो है विकास यात्रा का जावद क्षेत्र में अंतिम दिन है। हमारे साथ मौजूद है जावद नगर परिषद के उपाध्यक्ष सुचित जी सोनी, इनसे जानते हैं कि विकास यात्रा कल किस तरह की जावद में आयोजित होने वाली है। सुचित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके भेरू.com का कि आप लगातार जावद के हो रहे विकास के बारे में जनता को अवगत कराते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कवरेज के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और विकास यात्रा का समापन जावद विधानसभा क्षेत्र में कल जावद नगर पंचायत में सारे भूमि पूजन और कुछ लोकार्पण उनके माध्यम से समापन होगा। करीब करीब 8-9 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण जावद नगर परिषद में माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा, हमारे कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली भाजपा वाली सरकार के द्वारा जावद नगर परिषद में 8-9 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन होंगे। अभी नज़दीकी बच्चों की परीक्षा भी आने वाली है तो परीक्षा के लिए हमारे माननीय मंत्री जी विकास यात्रा का शुभारंभ जावद कॉलेज ग्राउंड में बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर मोटिवेशन के साथ संवाद करके यहां से विकास यात्रा का प्रारंभ होगा दोपहर करीब 2 बजे। अपन शुरुआत से जानते हैं कि जावद में विकास यात्रा सबसे पहले कब आएगी। जावद में विकास यात्रा दोपहर 2 बजे यहीं से स्टार्ट होगी और सभी जावद नगर की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि अगर आपको हमारे इस 5 महीने में अगर कहीं विकास नज़र आया हो तो इस विकास यात्रा का भव्य स्वागत करें और इस विकास यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें और सभी पूरे कार्यक्रम में साथ में विकास यात्रा में साथ में सहयोगी बने, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जावद नगर में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल कांग्रेस नगर परिषद के भी देखे हैं और अभी के 5 महीने के कार्यकाल भाजपा नगर परिषद के भी देखे हैं। भाजपा का निरंतर सोच एक ही है कि विकास 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 और उसी के तर्ज पर यह विकास यात्रा निकल रही है। यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, रास्ते में माननीय हमारे मंत्री जी क्षेत्र की जनता से मिलते हुए इसका कार्यक्रम का समापन, रास्ते में बीच में एक क्लॉक टावर का भूमि पूजन है। क्लॉक टावर बन रही है बस स्टैंड पर, जहाँ शास्त्री जी की जो प्रतिमा थी वहीं पर उस प्रतिमा के जगह ऊपर क्लॉक टावर बन रहा है और वहीं पर वापिस वहीं पर शास्त्री जी की ही मूर्ति रहेगी। शास्त्री जी भी हमारे देश की धरोहर है तो वो भी वहीं पर रहेंगे, बस वहाँ एक ऊपर क्लॉक टावर रहेगा, डिजिटल क्लॉक टावर रहेगा ताकि नगर में भव्य सुंदरता का माहौल भी रहे। उसके जस्ट आगे परकोटा बालाजी जो चौराहा है वहाँ पे एक अच्छा भव्य भारत माता की मूर्ति और एक भव्य प्याऊ और अच्छा चौराहा डेवलप किया है जिसको भारत माता चौराहे भी आगे जाना जाएगा, तो वहाँ पर भी एक भव्य आयोजन रहेगा। उसके आगे पूरे रास्ते में मंत्री जी सबसे लोगों से मिलते जुलते जाएंगे और रामलीला मैदान में इसका मैदान में सभी हितग्राहियों के साथ सब इसका कार्यक्रम का समापन होगा। सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अवश्य रूप से पधारें। कल कार्यक्रम किस तरह का रहना है, कितनी संख्या जो है कार्यक्रम में शामिल होने वाली है कल और समापन इसका कितनी बजे और कहां पर होना है, जावद के बाद किसी और गांव में इसका विकास यात्रा को जाना है या जावद में इसका कल समापन हो जाएगा। जावद में ही कल इस कार्यक्रम का समापन है और जावद में ही इस कार्यक्रम का समापन कल हो जाएगा। संख्या का तो अब देखो किसानी समय भी है पर फिर भी 2-3 हज़ार लोग आराम से हो ही जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे सुचित जी सोनी जी, जिन्होंने बताया कि कल जो है जावद मार्ग से ही जो है विकास यात्रा का कल दोपहर में शुभारंभ होगा और जावद में तमाम जगहों पर जो है जो विकास कार्य जावद नगर परिषद में अभी किए जा रहे हैं वहां पर जो है भूमि पूजन लोकार्पण तमाम तरह के आयोजन वहां पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद है जावद नगर परिषद के अध्यक्ष सोहन जी माली। सोहन जी, कल जो है विकास यात्रा जावद में आ रही है, क्या आयोजन कल जावद में किस तरह के रहने वाले, कहाँ कहाँ पर क्या क्या विशेषता कल रहेगी कार्यक्रम। नमस्कार, विकास यात्रा वही निकलता है जिन्होंने विकास किया है। माननीय मंत्री जी ने, मंत्री जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में विकास हुआ है और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जावद नगर परिषद और जावद विधानसभा विकास में अग्रणी पंक्ति में अग्रसर है। जावद नगर में अभी वर्तमान में जिस स्थान पर अपन खड़े हैं यह एक भव्य श्री वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा स्टेडियम के नाम से एक खेल का ग्राउंड बनाया है भव्य, जहां पर हमने एक नवीन रास्ता निकाला है
इस रास्ते को निकालने के लिए हमारे को बहुत विरोधाभास स्थिति भी हुई है, पर अंत में सभी ने कहा है कि इस रास्ते से भविष्य में खेल के प्रति नवयुवकों का रुझान बढ़ेगा, स्वच्छता की दृष्टि से भी इसको अग्रणी पंक्ति में लिया गया। यहाँ अच्छे अच्छे स्लोगन और मोटिवेशन स्पीच भी यहाँ लिखी हुई है। जी मैं आपको एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है पेंटिंग का काम किया जा रहा है, खिलाड़ियों की जो है यहाँ पर तस्वीरें बनाई जा रही है, पीवी सिंधु की तस्वीर है, कल्पना चावला की है, तमाम तरह के जितने भी खेल हैं उन सभी खिलाड़ियों के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीरें बनाई जा रही है, आई लव जावद यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसे रंग रौनक दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है लाइटें लगाई जा रही है ताकि सोलर लाइटें यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि रात्रि में भी जो है लोग आसानी से यहाँ पर पैदल घूम सके। तो कहीं ना कहीं इस मार्ग को जो अवध मार्ग नाम दिया गया है यहाँ पर विकास कार्य जारी है और एक अच्छा जो है इस रास्ते को बनाया जा रहा है, लाइट है, पेंटिंग है और स्वच्छता को लेकर भी जगह जगह यहाँ पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, लोगों को जो है जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। तो सोहन जी ये कार्य कब तक चलना है और ये कब कम्प्लीट हो जाएगा? इसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी के हाथों कल 2 बजे होगा और हमने सोलर ऊर्जा लगाई है, इससे लाइट का खर्चा भी बचेगा और रात्रि में लोग घूमने आएंगे तो उनको एक्सीडेंटल ये नो व्हीकल जोन रहेगा रात्रि में, यहाँ तो एक्सीडेंट से भी बचे जाएंगे पैदल घूमने के लिए। जो शाम को मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक होती है वो यहाँ पर आसानी से होगी और एक्सीडेंट नहीं होंगे। और जावद नगर की प्रत्येक गली में और प्रत्येक वार्ड में अभी कुछ न कुछ काम चल ही रहा है और हमारा उद्देश्य है कि मार्च तक जावद नगर की प्रत्येक गली में सीसी रोड का निर्माण करेंगे, पूरे नगर में जहाँ नालियों की परेशानी आ रही है वो नालियों का भी निर्माण हो जाएगा। और ऐसी अनगिनत योजनाएं जो हमने 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 देखा है, जैसे कि 8 से 10 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मंत्री जी के हाथों कल होने वाले हैं। इसी के साथ हमने एक भारत माता चौराहा बनाया है वहाँ पे, उसका लोकार्पण 4 मार्च को गौरव दिवस के दिन होगा। और एक पथ निर्माण किया है जो खोर दरवाजे से लेकर रामपुरा दरवाजा पुलिया तक आदमी सिंगल कोई भी आदमी अकेला पैदल घूम सकता है और वहाँ उस पर कोई व्हीकल नहीं चलेगा और वो फुटपाथ डेवलप होगा जिससे वो भी नो एक्सीडेंटल जोन वहाँ पे भी नहीं होंगे और आराम से उस नाले को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भविष्य में माननीय मंत्री जी के हाथों से उस नाले को सौंदर्यीकरण को देखते हुए 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माननीय मंत्री जी को हमने एक निवेदन दिया, उन्होंने उनकी भी घोषणा कल होने का लग रहा है। और अनगिनत योजनाएं, मैं तो कहता हूँ विकास किया है इसलिए माननीय मंत्री जी विकास लेकर नगर में घुसेंगे, तो हमारा सभी जावद की नगर की जनता से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप इस विकास यात्रा में शामिल होए। और सभी महिलाओं से मैंने कल निवेदन किया है, घर घर जाके कहा है कि एक कलश यात्रा निकालेंगे जिसमें सभी एक सरी की कोई सी भी चुंदड़ पहनकर निकलें और कलश लेके निकलें तो लगेगा कि जावद में सभी महिलाएं पुरुष एक साथ माननीय मंत्री के साथ कॉलेज से निकल के नगर से होकर यहाँ रामलीला मैदान पर एक भव्य सभा का आयोजन होगा जिसमें माननीय मंत्री जी का उद्बोधन के साथ सभी से वार्तालाप होगी। वो किसी को भी समस्या हो तो आप अपना आवेदन माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं, तो वो निश्चित ही वो समस्या का समाधान हम अतिशीघ्र करने का प्रयास करेगा। ये विकास यात्रा जनताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए निकली है और अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति तक जो हितग्राही है उनको लाभान्वित योजना है वो पहुंचाने के लिए विकास यात्रा निकाली है। और नगर परिषद जावद विकास के लिए अग्रणी है और आगे भी हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़े रहेंगे। और हमारा एक बार और हाथ जोड़कर निवेदन है आप इस विकास यात्रा में आए और माननीय मंत्री जी का और माननीय इस पूरी विकास यात्रा का स्वागत फूल और फंगड़ियों से स्वागत करें तो हमारे भी मोटिवेशन बढ़ेगा और माननीय मंत्री जी का नगर परिषद के प्रति विकास बढ़ेगा। तो हम माननीय मंत्री जी भोपाल से
अधिक से अधिक राशि दिलाएंगे तो हम आगे भी जावद नगर परिषद का, जावद नगर का स्वच्छ सुंदर स्वच्छता स्वास्थ्य में भी हम नंबर वन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जावद। सोहन जी, आपका कहना है कि लगातार जावद में विकास जगह जगह पर जो है चौमुखी विकास जावद क्षेत्र में हो रहा है, आगामी समय में और क्या क्या जावद में जो है विकास के लिए आपके द्वारा सोच बना रखी है? और जावद में, जावद नगर में दो तीन गार्डन आने वाले हैं। जावद में एक भव्य बड़ी पानी की टंकी आएगी, जिससे जो मोदी जी का माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का सपना है कि 24 घंटे पानी नल में आए, तो उसके अनुरूप हमने एक बड़ी टंकी का भी निर्माण कर रहा है। तो 2024 तक प्रत्येक घर में 24 घंटे नल आएंगे, वो योजना भी आने वाली है। सीएम राइज स्कूल जो नगर की एक बहुत बड़ी पहचान रहेगी, जिसका काम हो चुका है, वो 33 करोड़ रुपये स्वीकृत होकर काम धरातल पर आ गया और इस वर्ष तक वो मूर्त रूप भी ले लेगा। तो ये भी जावद नगर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। ऐसी अनेक कई योजनाएं हैं जो गंदा पानी और स्वच्छ पानी को अलग कर इस नाले को भी सौंदर्यकरण की दृष्टि से दिखेगा। और जावद नगर में एक भव्य 50 लाख रुपए अभी भूमि माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, उसका भूमि पूजन भी कल इस स्टेडियम को डेवलप करने के लिए, इंडोर आउटडोर स्टेडियम को डेवलप करने के लिए दशहरा मैदान में भूमि पूजन 50 लाख रुपए का होगा। और ये स्टेडियम थोड़ा छोटा है, इसलिए माननीय मंत्री जी ने इसको अभी 25 बीघे का स्टेडियम है, इसको 43 बीघे का स्टेडियम भविष्य में एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि इस नाले को थोड़ा सा उधर खिसकाने से ये स्टेडियम 50 बीघे के करीब का स्टेडियम हो जाएगा, जिससे अभी वर्तमान में जो बच्चे को छोटी मोटी खेलने में समस्या आती है, गेंद चली जाती है, बॉल ढूंढने में समस्या आती है, वो भी अतिशीघ्र माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि उस समस्याओं का भी हम निजात कुछ महीनों में कर ही देंगे। इसके साथ नगर में हमने संभल के जो पिछले 5-4 वर्षों से पैसे अटके हुए थे, तो वो संभल योजना के तहत इसी 5 वर्षों में 50 लाख रुपए प्रत्येक घर को राशि प्रदान की है और पूरे नगर में एक ऐसा साउंड सिस्टम लगाया है जो हम नगर परिषद से कोई भी हितग्राही योजना आती है तो उसको साउंड सिस्टम के माध्यम से वहाँ से बोलकर बता देंगे कि अभी वर्तमान में जैसे कि आयुष्मान कार्ड बन रहे थे तो हमको गली गली में जाके बोलना पड़ता था कि आज इस गली के आयुष्मान कार्ड बन रहे, तो हम अब हमेशा हम कोई भी सूचना होगी तो नगर परिषद में बैठकर वहीं से सूचना कर देंगे। तो इससे क्या है कि नगर के अंतिम व्यक्ति तक भी वो सूचना पहुंच जाएगी, तो जो लाभकारी योजना है उनको फ़ायदा अधिक से अधिक होने लग जाएगा। बहुत सी बार क्या है कि सूचना के अभाव में हितग्राही पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमको ये विश्वास है कि पूरे नगर में एक साथ सूचना होगी तो माउथ पब्लिसिटी भी हो जाएगी और साउंड के माध्यम से सूचना हो जाएगी। तो इस सूचना के माध्यम से हमको लगा विकास के लिए एक कदम और आगे इस साउंड सिस्टम के माध्यम से भी रहेगा। जावद में सामुदायिक भवनों का भी जो है विकास किया जा रहा है, तो सामुदायिक भवन में क्या नया हो रहा है? माननीय मंत्री जी ने 2 सामुदायिक भवन अभी वर्तमान में उन पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उन 1 करोड़ रुपए को कल भूमि पूजन होगा और उसमें एक ऐसा शेड का निर्माण होगा जिससे बारिश से बचने के लिए, जब बहुत से जिनकी किसी बहू मतलब बेटी की शादी होती है और बारिश आ जाती है अचानक, तो पूरी शादी फीक हो जाती है और ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं जो इन लोगों का सपना रहता है कि मेरे मांगलिक कार्यक्रम होए और उसके रिश्तेदार सब आए और उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए माननीय मंत्री जी ने 50-50 लाख रुपए के 2 शेड के निर्माण के लिए राशि दी है ताकि बारिश से और जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे भी बचने के लिए और उसकी शादी और मांगलिक कार्यक्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं है उसके लिए 2 भव्य शेड का निर्माण भी इन 1 करोड़ के माध्यम से होगा।
तो कुल मिलाकर जावद नगर के तमाम जो विकास कार्य जो है नगर परिषद चुनाव के बाद इस कार्यकाल में हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को, उन सभी विकास कार्यों को लेकर कल लोकार्पण भूमि पूजन जावद में होने हैं। और कल कार्यक्रम जो है दोपहर में कल जो है विकास यात्रा जावद पहुंचेगी और जावद नगर के प्रमुख मार्गों से होकर भी गुजरेगी। तो अब देखना होगा कि कल जो है अंतिम दिन जो है विकास यात्रा का है और किस तरह की विकास यात्रा कल जावद में रहने वाली है। इस वक्त ब्यूरो.com और SBC टाइम्स के साथ मैं आकाश श्रीवास्तव।